राधा मदन मन ललित विशाखा जीव की कृष्ण वल्लभ भगवान की पतित पावन गोनिदाय की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की भक्ति विघ्न विनाशिनी सिंहदेव भगवान की जगत विशल प्रभुपाद की प्रभुपाद विरचित गीतार गान की सांवित गौर भक्त हरे कृष्ण हरे कृष्ण मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात दिशतारिणे श्री चैतन्य मनाभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकं वंदेहम श्रीगुरु श्रीजितपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं शाग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्तो राधाकान्तो नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणामामि हरिप्रिय मंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभिः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्याद्वैत गदाधर शिवाशादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हम भगवद गीता का दशम अध्याय विभूति जैसे पाठ कर रहे हैं। विभूति विभूति अर्थात ऐश्वर्य भगवान का ऐश्वर्य के तो ऐश्वर्य भगवान का ऐश्वर्य यह से पता चलता है भगवान का शक्ति और शक्ति का प्रकाश यह से हमें विभ्रांत नहीं होना चाहिए। ये भगवान से बाहर है ये बातें विभूति है ऐश्वर्य। श्री भगवान कहिलेन आबार बोलीजे सुन परम वचन तुमार मंगल हेतु कही विवरण आवार फिर दूसरा बार में बोल रहा हूँ आवार बोलीजे सुन परम वचन भगवान बोल में फिर दोबारा परम वचन। परम वचन अर्थात श्रेष्ठ हाँ शिक्षा क्यों कर रहे हैं तुम्हार मंगल हेतु किसको मंगल चाहते हैं प्रिय व्यक्ति का अर्जुन कृष्ण का बहुत प्रिय था सखा क्या था भक्त शिष्य चले उनका प्रिय काम्या हित काम्या प्रिय होने के कारण उनको मंगल कामना करते तो अर्जुन बहुत प्रिय थे इसीलिए गीतार गान क्यों दे रहा है हित काम्या कृष्ण अर्जुन को ये उपदेश उनका मंगल कामना करके अमार प्रभाव जेई केहो नहीं जाने शुरगान ऋषिगान कत जाने जाने मेरा प्रभाव कोई नहीं जान सकते शुरगान ऋषिगान देवता कोई नहीं जान सकते क्यों कौन बोल सकते क्यों नहीं जान सकते प्रियो नहीं ठीक है किसी की भी बुद्धि से हाँ बुद्धि से बाहर ओके किसी बुद्धि से बाहर भगवान
ओके भगवान अध्यक्ष जाए इसके उनका जरूरी हिंदी से नहीं जान सकते। भगवान को जाने भगवान बस में होते भक्त होने से ओके। और नहीं आप लोग जो आंसर था सब सही है, ये प्रश्न में किया मैं वो सुनना चाहता हूँ और आंसर तो सब सही है। हम पहले से तो आप सब जानते हैं लेकिन इस प्रश्न में क्यों बोलते हैं सकलेर आदि आमी देव ऋषि जत भाविया चिंतिया तारा के बुझीबे कत। आंसर है इसके अंदर क्या आंसर? नहीं उसके पहले एक शब्द है उसके पहले सकलेर आदि जिस तरह एक बच्चा पिता के बारे क्या जान सकते हैं, बच्चे के बाद में जन्म हुआ वो पिता के बारे क्या जान सकते हैं, जो सुना वही बोलेंगे वो खुद के कैसे जान सकते हैं। तो जब देवो ऋषि सब मेरा से उत्पन्न हुआ है सब मैं उनका तो मेरा बारे कैसे जान सकते हैं, जितना जानेंगे वो तो कल्पना के सुना है वो कैसे जान सकते हैं, क्योंकि सकलेर आदि हमें देवो ऋषि जाता। पहले कहा क्या हमार प्रभाव क्यों नहीं जाने, मेरा प्रभाव प्रभाव शब्द तो क्या है प्रभाव प्रभावन, एक तो प्रभाव है प्रभाव इसका तो शक्ति, लेकिन प्रभाव प्रभाव ने प्रभाव या बांग्ला प्रभाव लिखा है लेकिन संस्कृत श्लोक में प्रभावम प्रभाव था हाँ उत्पत्ति मत्त सर्वं प्रवर्त प्रभाव प्रभाव था उत्पत्ति सृष्टि। तो न मे विदु सूर्यगुना प्रभावंग महेश्वर मेरा सृष्टि वो लोग कैसे जान सकते, क्योंकि सकलेर आदि हमें देव ऋषि जाता मैं सबका देव ऋषि सबका मैं आदि हूँ। भाविया चिंतिया तारा क्यों कुछ बुझे कत भावना चिंता मानसिक जल्पना कल्पना करके कैसे जान सकते, जे मोरे अनादि जाने लोक महेश्वर सच्चिद आनंद श्रेष्ठ अव्ययजर, जे मोरे अनादि जाने लोक महेश्वर जो मुझको जानते मैं अनादि, भगवान को किसी को जानना चाहिए अनादि अर्थात जिनका कोई आदि नहीं है सब उनमें सृष्टि हुआ, ये हम थियोरिटिकल जानते हैं पूर्ण रूप जानना चाहिए। अनादि जाने लोक महेश्वर, लोक महेश्वर अर्थात सारे लोक का महाईश्वर सच्चित आनंद श्रेष्ठ अव्ययजर, भगवान को किस तरह जानते भगवान के चिन्ह सच्चित सच्चित आनंद श्रेष्ठ अव्यय अजर सब एक एक शब्द बहुत जरूरी है। भगवान को इस तरह जानना चाहिए भगवान के सच्चित आनंद ये तो जानते हैं तीन शब्द, श्रेष्ठ अव्यय अजर तीन शब्द जानते अजर शब्द तो पता है अजर अर्थात अजर शब्द जिसे जरा जरा था बुरापा जरा था हाँ यूजलेस अजर इनवैलिड मर्त्यलोके मर्त्यलोके असंग मुरस यही व्यक्ति है এই মাত্র জানি তার সর্বপাপ কয় মর্ত্যলোকে অসংমুর অসংমুর শব্দ অর্থ কি হ্যাঁ মুর সংমুর অসংমুর অসংমুর অর্থাৎ মোহরহিত হ্যাঁ মোহরহিত অসংমুর অর্থাৎ মোহরহিত মুর সংমুর আর অসংমুর तो एक बात बोल सकते हो बुद्धिमान है असंगमुर अर्थात बुद्धिमान है। मर्त्यलोके असंगमुर जे व्यक्ति है जो व्यक्ति अर्थात ये भौतिक जगत के सारे मोह से शून्य है यही मात्र जानी तार सर्व पाप है तब वो व्यक्ति पाप से मुक्त हो सकता। पाप क्यों करते आदमी
हाँ, अज्ञान के कारण। पाप क्यों करते हैं? अज्ञान के कारण। यदि ज्ञान होता था, चोरी करने से जेल में जाना पड़ेगा, कष्ट होगा, नरक में जाना पड़ेगा, सब पता है, तो कैसे करेंगे? तो अज्ञान के कारण सिर्फ जब असंगमूल होगा अर्थात मोहग्रस्त नहीं होगा तब वो कोई पाप करेगा नहीं, यही मात्र जानी तार सर्वपाप क्षय। सूक्ष्मार्थ निर्णय योग्य बुद्धि जहाय आत्म जे अनात्म तहा ज्ञान विषय सत्य दम सम क्षमा सुख दुख भय अभय भवा भव आर अहिंसा जहाय समतादि तुष्टि जस अजस बदान सकल भूतेर भाव जहा किचु आन आमी तार सृष्टिकर्ता पृथक पृथक बुद्धिमान जेवा हाय बुझाए निछक। तुम हम किसको श्रेष्ठ मानते हैं? वो बहुत बुद्धिमान है, अरे वो देखेंगे इतना सुंदर रूप है, तो जिसको कोई जगह हम शक्ति देखेंगे, जो कुछ हम शक्ति पर आकृष्ट होता है, तो एक कुछ सारे कुछ गुण बातें हैं। तो कृष्ण बोलते हैं इस तरह सब गुण मुझसे उत्पन्न है। वह क्या क्या है? सूक्ष्मार्थ निर्णय जो बुद्धि जा है, बुद्धि अर्थात क्या है? बुद्धि सूक्ष्मार्थ निर्णय, वो बुद्धि से सूक्ष्मार्थ निर्णय करना चाहिए। सूक्ष्मार्थ सूक्ष्म अर्थ क्या है? हम शरीर नहीं है, आत्मा है, कहाँ चाहे कहाँ जाना है, इस तरह सूक्ष्म अर्थ निर्णय वो उसको बुद्धि कहते हैं। इस तरह नहीं अच्छा चोरी कर सकते, वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, कैसे चोरी कर सकते, उसको बुद्धि नहीं कहते। ज्ञान भी इस तरह नहीं, एम ए पी एच डी किया उसको ज्ञान कहते नहीं। ज्ञान किसको कहता है? ज्ञान को किसको होता है? हाँ, दूसरा नंबर लाइन में क्या डेफिनेशन दिया ज्ञान का? आत्म जो अनात्म था ज्ञान विषय, इसका अर्थ क्या है? ज्ञान अर्थात कहाँ पर आत्मा है, कहाँ पर आत्मा नहीं है, वो है ज्ञान। यदि आत्मा विषय ज्ञान ही नहीं है, उसको व्यक्ति को ज्ञानी नहीं कह सकते। ज्ञान अर्थात आत्मा विषय ज्ञान, आत्मा विषय ज्ञान सुर के जो बाकी ज्ञान सबको ये विचार अनुसार अज्ञान कह सकते, स्वीपर समाज में। हाँ, जो स्वीपर 10 टॉयलेट सफाई कर सकते और कोई स्वीपर 20 टॉयलेट दिन सफाई कर सकते, उनका मीटिंग में क्या चाहते, वो क्या एक्सपर्ट हैं, उनके कितना बुद्धिमान व्यक्ति है, कितना आदमी को आपको कैसे कांटेक्ट किया, सबको घर में इतना व्यक्ति को कैसे कांटेक्ट किया, और एक दिन के अंदर इतना जगह क्यों जाते हैं, उसका चर्चा का विषय हो, देखो कितना बुद्धिमान व्यक्ति है। हाँ, उनके लेकिन बौद्ध समाज में कोई चर्चा होगा, बहुत बुद्धिमान स्वीपर है, उन्हें 10 या 20 टॉयलेट सफाई करते हैं, इतना आदमी से कॉन्टैक्ट, तो उनको बुद्धि मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। लेकिन उनके विचार में वाह, हमारे समाज में दो ही श्रेष्ठ है। तो भौतिक जगत में एम ए पी एच डी बहुत बड़े ज्ञानी है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि तो जीरो है, कोई मूल्य नहीं है। तो इसलिए ज्ञान का शुक्र क्या? आत्म जो अनात्मता ज्ञान विषय, कौन आत्मा कौन अनात्मा, किसके अंदर आत्मा है किसके अंदर आत्मा नहीं है, वह है विषय, वह है ज्ञान। और बुद्धि है सूक्ष्मार्थ विषय, अर्थात सूक्ष्म चिंता करना चाहिए, ये किया है हम कहाँ चाहे कहाँ जाना जाएगा। ये मैं अनुरोध करूँगा आप लोग के 4 और 5 नंबर श्लोक का तात्पर्य जो वर्णन प्रभुपद हर शब्द को सुंदर सुंदर संज्ञा दिया है, हर शब्द का ये हम सब शब्द व्याख्या करेंगे नहीं। सत्य सत्य तो जानते हैं, दम सम दो शब्द नजदीक में आता है हमेशा है। दम सम, दम सम अर्थ क्या है? दम और सम, दमन करना और सम, ये बहुत बार आता है गीता में, तो आप ये डेफिनेशन भूलना मत। सम और दम, बहिरिंद्रिय दमन है दमन, और अंतरिंद्रिय है सम,
अर्थात मन को नियंत्रण करना है सम, और बाकी इंद्रियों को दमन करना है दम। तो सम प्रभुपाद बहुत सुंदर संज्ञा भी दिया है, दम दम सम कालक, और विस्तार संज्ञा दिया है सत्य दम सम क्षमा। क्षमा शब्द अर्थ क्या है? क्षमा कर देना। हिंदी इंग्लिश बोलने मजा लगता है। ठीक है, क्षमा तो सरल मृदु क्षमा है, क्षमा है सत्य दाम सम क्षमा सुख दुख भय अभय भवाभव भवाभव अर्थात भवाभव भवाभव शब्द अर्थ क्या है? भवा संधि विचित करने क्या आता है? भवाभव भव अभव भव जो अभव तो क्या होता है? भवाभव तो भव अर्थात क्या है? होना, और अभव अर्थात ना होना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? अर्थात जन्म मृत्यु। भव अर्थात होना, यदि भव अर्थात होना है तो अभव अर्थात होना अर्थात जन्म, तो अभव अर्थात जन्म को उल्टा होगा मृत्यु, तो भव अभव अर्थात भव अभव अर्थात जन्म मृत्यु। भव अर्थात जन्म मृत्यु। और अहिंसा जा है समतादि तुष्टि जश अजश बदान, समतादि तुष्टि जश, समता तुष्टि जश अजश दान सकल भूतेर भाव जहा किचन, सारे जीव के जितना सारे इस तरह गुण, अब देखें सब कोई कोई जीव का इस तरह गुण देखा, ओ वो व्यक्ति की इतना बुद्ध है, वो व्यक्ति इतना सहनशील है, इतना क्षमा कर, इतना सत्यवादी है, कोई कोई व्यक्ति के देख के हमें आश्चर्यचकित हो सकते। लेकिन कृष्ण क्या बोलते, यदि कोई जगह देखोगे अमितार सृष्टिकर्ता पिते, मैं सृष्टि क्या है, बुद्धिमान जो वह है बुझा नहीं सकते, जो केवल बुद्धिमान व्यक्ति इस चीज को समझ सकते हैं। यदि हम खुद को बुद्धिमान रूप में दावी करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए जो कुछ जहाँ पर आश्चर्यजनक है सब भगवान का शक्ति का प्रकाश है। मरीच्चादि सप्त ऋषि चारे शनकादि चतुर्दश मनु पूर्व हिरण्यगर्भादि, टोटल कितना हो गया तुरंत बताना, टोटल कितना हो गया? पच्चीस। इतना कठिन क्या है? मरीचादि सप्त ऋषि सात ऋषि, मरीचि आदि सात ऋषि, और चार शनक, चार शनक को शनक, और चतुर्दश मनु, टोटल पच्चीस। ये पच्चीस पूर्व हिरण्यगर्भादि, ये सारे जीव कहाँ से सृष्टि हुआ? ये सब से, ये सप्त ऋषि चार शनक चार कुमार और चतुर्दश मनु सब भगवान को ये मेरा मन से उत्पन्न हुआ है। और ये जगत का जो स्थावर जंगम सब श्री राधा मदन मन लील के विषय कर कृष्ण वल्लभ भगवान परिपूर्ण गौणित है कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी निशिकंदेव भगवान की जय। जितना सारे जीव है सब मुझसे सृष्टि हुआ है। अमार स्वरूप ज्ञान शक्ति भाविभूति समस्त क्रियादि जोग श्रेष्ठ से भूकति, ये सब तत्व जरा निश्चित जानिल
भक्ति योग शादीवारे यज्ञ से होइलो भगवान इस तरह क्यों डिमांड कर बार बार मेच से सब कुछ हुआ मुझसे सब कुछ हुआ क्यों बार बार डिमांड कर रहे हैं क्योंकि भगवान को पता है सब भूल गया है इस चीज़ को इतना बार बोलना पड़ता है भगवान भगवत गीता में कितना बार डिमांड कर रहे हैं मैं भगवान हूँ मुझसे सब कुछ है मैं से कितना बार डिमांड कर पूरे भगवत गीता वही केवल है हर भगवत गीता पूरे क्या देखते हैं किसने केवल डिमांड कर बार बार बोलते मैं भगवान हूँ तुम मेरा दास हो मेरा संतान हो मैं तुम्हारा पिता हूँ मैं तुम्हारा शुभाकांक्षी हूँ मेरा शरण लगा तुम्हारा सारी समस्या समाधान हो जाएगा बस यही समाधान है उसके बाद भी गीता का उल्टा पल्टा कैसे व्याख्या करते समझ में नहीं आते अमार स्वरूप ज्ञान शक्ति बा विभूति मेरा बारे मेरा जो स्वरूप है मैं कौन हूँ मेरा शक्ति मेरा विभूति मेरा क्या कर्म है ये जो जो जानते हैं वो ठीक से भक्ति कर पाएंगे ये तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं ना जो किसी के बारे में बहुत महानता जानते हैं तो उसको क्या करेंगे पूर्वादेव तत्पर्य में बोलते हैं जब भगवान को इस तरह जानेंगे तब एक चीज छोड़कर दूसरा रास्ता ही खोला नहीं रहेगा कौन सा हाँ भक्ति करना जब भगवान को इस तरह जानेंगे कोई तब उनका एक चीज छोड़कर दूसरा कोई रास्ता ही खोला नहीं रहेगा कौन सा भक्ति करना शरणागत होना जब भगवान को इस तरह कोई जानेंगे तो भगवान को शरणागत होना छोड़ के दूसरा कोई रास्ता ही खोला नहीं रहेगा उनके पास तो इसीलिए भगवान उनको तो अर्थात ये सारे बोलने का अर्थ क्या है कृष्ण को शरणागत बनाने के लिए जब इस तरह सुनने के बाद शरणागत होने से कोई रास्ता ही नहीं खोला है इसका अर्थ बोलने का उद्देश्य तो एक ही है कौन सा मेरा शरणागत हो मेरा भक्त हो तो ये चीज समझाने के लिए आगे चार श्लोक में ये अध्याय का पूरा सार बता रहा है सारे सारे कोई चीज हम जो बोलेंगे उसका तो प्रमाण चाहिए कुछ भी बोलेंगे उसको क्या चाहिए प्रमाण तो हम सब कुछ का प्रमाण कौन है सब कुछ का प्रमाण कौन है हाँ प्रमाण कौन है ओके स्कूल देते हैं आपको पिता जब आपको पिता है इसका प्रमाण क्या है हाँ अभी है तो आपको पिता जी पिता इसका प्रमाण क्या है माँ तो अभी ये दुनिया का सब कुछ का प्रमाण क्या है जो कुछ बोलेंगे उसका प्रमाण क्या है शास्त्र प्रमाण है प्रमाण अर्थात हम कौन है हम कहाँ चाहे भगवान क्या है कहाँ जाना जो कुछ इसका प्रमाण कहाँ चाहते हैं तो प्रमाण क्या है शास्त्र प्रमाण को द्वारा किया जिसको करता है उसको क्या बोलता है प्रमाण को द्वारा इसको प्रमाणित करना चाहिए उसको क्या बोलता है ज्ञान के द्वारा जिसको जानना चाहिए उसको क्या बोलता है ज्ञेय ध्यान के माध्यम जिसको जहाँ जाना चाहिए उसका नाम क्या है ध्येय और प्रमाण के द्वारा जहाँ जाना चाहिए हाँ प्रमेय तो हमारे प्रमाण क्या है शास्त्र सर्वश्रेष्ठ कौन सा प्रमाण है श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम श्रेष्ठ प्रमाण भागवत ओके ये प्रमाण है वैदिक शास्त्र प्रमाण है प्रमेय क्या है ऑनर्स मार्क दिया जाएगा ये यदि बोल पाएंगे प्रमेय क्या है किसको प्रमाण करना चाहिए शास्त्र से भगवान को और आप लोग इसके ऊपर बहुत क्लास दिया है सेमिनार दिया आप लोग बहुत बार किसके प्रमाण करना चाहिए प्रमाण के द्वारा हाँ किसके प्रमाण करना चाहिए भगवान को के पार्शियल आंशिक हाँ भक्ति से संबंध दो हो गया है एक भक्ति अर्थात अभिधेय और संबंध 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 अभिधेय प्रयोजन तीन चीज यह है प्रमेय क्लियर संबंध अभिधेय प्रयोजन ये तीन चीज को प्रमाण करना है सारे शास्त्र से क्या प्रमाण होता है
तीन चीज प्रमाण था, कौन सा? संबंध, अभिधि और प्रयोजन। मेनली तो उल्टा उल्टा करके देखें तो अच्छा होगा। प्रमाण किसके लिए चाहिए? नहीं नहीं, हम तो सब आनंद चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, प्रयोजन, प्रयोजन क्या है? अच्छा ठीक है, समझ गया, ये प्रमाण करना चाहिए हमारे प्रयोजन क्या है। तो प्रयोजन कैसे मिल सकते हैं? पंथा भक्ति, उसको अभी दियो। वो भक्ति के कौन किसको करेंगे? इसको का संबंध कौन कौन किसको? इसके लिए संबंध अभी दियो प्रमाण है, संबंध अभी दियो प्रयोजन है, प्रमेय। अभी संबंध किसके साथ? यह भी तीन तत्व है, एक है भगवान, जीव और उनके बीच में अचिंत्य भेदाभेद, इसको भी प्रमाण, इसको प्रमेय है। तो प्रमाण प्रमेय, प्रमेय प्रयोजन, संबंध अभिधेय, और अभिधेय में तीन क्या क्या? भगवान, जीव और उनके बीच में संपर्क, अचिंत्य भेदाभेद। तो ये है सारे वैदिक शिक्षा का सार है, प्रमेय यही है, प्रमाण का सारे उद्देश्य इसको है। तो ये अभी आगे चार श्लोक में हम देखेंगे, 8 से 11, इसलिए कोई आचार्य इसको चतुश्लोक की गीता भी कहता है। प्राकृत अप्राकृत सब आमा होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति जानी आमा के बजाय, आमार जे भाव ताहा भक्तिर लक्षण, अपंडित नहीं जाने जाने पंडित गण। प्राकृत अप्राकृत सब आमा होते हैं, इसका अर्थ क्या? प्राकृत शब्द अर्थ क्या है? प्राकृत शब्द अर्थ क्या है? हाँ हाँ, ये शब्द बहुत बात है। प्रकृत का उल्टा है प्राकृत, प्रकृत का उल्टा है प्राकृत। प्रकृत वस्तु कौन है? भगवान। तो प्राकृत क्या है? जड़। तो प्राकृत शब्द अर्थ है भौतिक, तो अप्राकृत चिन्मय। प्राकृत हम प्राकृत कभी कभी नहीं जान सकते, लेकिन अप्राकृत जानते हैं। अप्राकृत क्या है? चिन्मय। तो अप्राकृत चिन्मय, तो प्राकृत क्या होगा? भौतिक। तो भौतिक जगत और चिन्मय जगत दोनों, प्राकृत अप्राकृत सब आमा होते हैं। अहं सर्वस्य प्रभाव, ये शब्द फिर आता है, प्रभाव, प्रभाव अर्थात उत्पन्न होना। तो जो कुछ जड़ चेतन सबका उत्स मैं हूँ, और बुद्धिमान व्यक्ति जानी आमा के भजा, जो बुद्धिमान व्यक्ति यह जानने के बाद किसके पास जाएगा? हाँ, किसके पास जाएगा? यदि यदि कोई किसी को घर में गया, प्रधानमंत्री के घर में गया है, प्रधानमंत्री के घर में गया है, आप पता है ये प्रधानमंत्री है, ये इनके घर का स्वीपर है, अभी किसका शरणागत होगा? दोनों जब पता थे किसका शरणागत होगा? सब जब हम जन जब जान पाएंगे भगवान सब किसी का प्रभाव प्रलय प्राकृत अप्राकृत सारे जगह श्रेष्ठ है, तब ये बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? भगवान का भजन करता है। अमार जे भाव था भक्तिर लक्षण, अपंडित नहीं जाने जाने पंडित कौन। जब ये जब कोई व्यक्ति प्रकृत पंडित है, वो समझते हैं हाँ भगवान सब कुछ का उच्च और हमारे एकमात्र कर्तव्य उनका भक्ति करना, और जो पंडित नहीं है वो बात इसको नहीं समझ सकते। अभी दूसरा प्रश्न क्या होना चाहिए? एक तो है संबंध जान लो, भगवान ने हमको भी सृष्टि किया है। यदि भगवान भौतिक चिन्ह में सबको सृष्टि किया, तो हमको किसने सृष्टि किया? हाँ हमको भगवान ने सृष्टि किया, तो हमारे कोई काम है क्या? कुछ कुछ जरूरत है? मृदंग क्यों बनाया? मृदंग क्यों बनाया? तो बजाने के कीर्तन के समय मदद नहीं करेगा तो रखेगा मंदिर में? जैसे मोबाइल ये जो बात नहीं कर पाएगा, जीप में लेके घूमेंगे क्या? नहीं घूमेंगे। तो हमको जो दिश में बनाया है, जो काम नहीं करता हम फेंक देंगे डस्टबिन में, तो हम देखना चाहिए हमारे पास क्या उद्देश्य क्या था। हम मोबाइल हैं, हमको जीप में लेके घूमेंगे यदि हम टेलीफोन करने मदद करेंगे, लेकिन नहीं करेगा तो हमको फेंक देंगे। तो हमको समझना चाहिए हमारे काम क्या है, कौन सा उद्देश्य बना है। तो आगे श्लोक आते हैं,
जानना चाहिए जब भगवान हमको सृष्टि किया है तो हमारे उद्देश्य उनका सेवा करना है, वो भक्ति है। कैसे करना? अमार अनन्य भक्त मच्चित्त मत प्राण परस्पर बुझे परे अनन्य मगन। अमार अनन्य भक्त, अनन्य भक्त शब्द तो क्या है? न अन्य भक्त, अमार मेरा अनन्य भक्त, मेरा अनन्य भक्त था न अन्य भक्त, केवल मेरा ही भक्त है। अनन्य भक्त शब्द जिस तरह हाँ वो मेरा भक्त है, ये कंप्लीट नहीं होगा। मेरा भक्त उनके भी भक्त सबके भक्त है, लेकिन अनन्य भक्त है मुझ चुके और किसी का भक्त नहीं है, इसको अनन्य भक्त केवल भक्ति अहितु की भक्ति। अमार अनन्य भक्त मच्चित्त मत प्राण, मच्चित्त मत प्राण अर्थात मत शब्द अर्थात मेरे पति चित्त, उनका चित्त ध्यान ज्ञान बुद्धि धारणा सारे चिंतन मेरे सुख के लिए, और मत प्राण अर्थात मत प्राण शब्द अर्थ क्या है? हाँ ठीक है, और बहुत व्याख्या मत प्राण शब्द अर्थ क्या है? उनका प्राण हाँ वो अच्छा मुझको सुख जिंदे नहीं रह सकते, उनका प्राण मेरे अंदर है। अमार आनंद मत चित्त मत प्राण परस्पर बुझे पड़े आनंद मगर, और परस्पर आपस में जब उसका भक्त मिलते हैं तो क्या करते हैं? क्रिकेट के बात करके मजा लेते हैं? नहीं, हाँ कृष्ण के बारे बोल के आनंद मिलते हैं। परस्पर बुझे पड़े आनंद मगर, आपस में केवल मेरे बारे चर्चा करके आनंद लेते हैं। अमार से कथा नित्य बोलिया सुनिया, मेरा बारे केवल मेरे बारे चर्चा करके बोलकर सुनकर, बोल के मजा है उनका सुनकर भी मजा है। तोषण रमन करे भक्ति ते मजिया, उनका तोषण, तोषण शब्द क्या? हाँ संतोष, संतोष तो तोषण आनंद तुष्टि, और रमन, रमन में आनंद है। हाँ राधा रमन, रमन शब्द कहा से रमन, राम रमेति रमन अर्थात आनंद कर। भक्ति ते मजिया, भक्ति ते भक्ति का मजा में उनका तुष्टि पुष्टि सब होता है। तो उनको कैसे यह भगवान के इतना सेवा कर उनका क्या मिलते हैं? आनंद मिलते हैं। कैसे आनंद मिलते हैं आगे चलो। से नित्य युक्त जरा भजने कुशल प्रीति सहित तारा धरे भक्ति बल। সেই নিত্যযুক্ত, নিত্যযুক্ত অর্থাৎ ভগবানকে সাথে হামেশা যুক্ত, ভগবানকে ভগবানকে এক ক্ষণ কে লিয়ে ভুল নেই পাতে নিত্যযুক্ত। আর ভজনে কুশল, ভজনে কুশল অর্থাৎ কুশল শব্দ অর্থ কে? হ্যাঁ দক্ষ, ভজনে কুশল অর্থাৎ কিস তর ভগবানকে ভক্তি করে ও বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞানী হ্যাঁ। সেই নিত্যযুক্ত যারা ভজনে কুশল প্রীতির সহিত তারা ধরে ভক্তিবল, এই প্রীতির সহিত প্রীতিকে সাথ ভক্তিবল ধরতে হয়। ভক্তি ভক্তিবল অর্থাৎ কি হ্যাঁ? ভক্তি এক প্রকার বল হ্যাঁ। কে বলে বাচ্চাকে বল কি হ্যাঁ? রোনা, রোনে সে সপনকে পাশে আ যায়, কতনা শক্তি হ্যাঁ ও রোনে সে পিতা মাতা ভাগকে আতে হয় উসকে পাশ, কতনা শক্তি হ্যাঁ উনকে অন্দর, উনকে শক্তি হ্যাঁ, उनका शक्ति है रोना। तो भक्त का शक्ति क्या है? भक्ति, भगवान भी आ जाते हैं उनके पास भक्ति बल। प्रीति सहित धारे भक्त, प्रीति के साथ भक्ति करते वो भक्ति बल। आमी दे भक्ति जो तादेर अंतरे, मैं उनको भगवान तो इस तरह भक्त को मैं किए देता हूँ भक्ति जो, वो तो भक्ति करते हैं लेकिन वो भक्ति करने का बुद्धि कि शुरुआत हमारे तरफ से करना चाहिए पहले। हाँ भक्ति करते हैं भगवान भक्ति, ये पहले बल दो वो भक्ति बल है फिर भगवान में भक्ति देता हूँ, दोनों ही होना चाहिए। जिस तरह श्रद्धा से शादी संग होता है, शादी संग होता है श्रद्धा होता है। आमी दे भक्ति जोग तादेर अंतर, मैं उनका हृदय में भक्ति जोग प्रदान करता हूँ। अमार परम धाम तारा लाभ करे, इसके कारण क्या होता है?
वो लोग मेरा परम धाम लाभ करते हैं। वह जाके क्या करेंगे, ये धर्म की कोई कमी है कुछ है? हाँ, कैसे जाते हैं सब तो ये बात को जानते नहीं। शेषे अनन्य भक्त नहे तो अज्ञानी, आमी तार हृदय ते ज्ञान दीपानी। तो इस तरह जो भक्ति करते हैं, क्या अज्ञान व्यक्ति कर सकते, कर सकते? तू तो इतना ज्ञान कहाँ से आया उनको? कभी कभी नहीं लगता है, अरे वो भक्तों की इतना शरणागति है कहाँ से आया है? हम तो कोशिश कर, हमारे तो इतना शरणागति नहीं, गुरु महाराज की इतना भक्ति है उनका, हमारा तो नहीं आता है, कैसे हार सकते हैं? इनका बुद्धि कैसे हो गया उनको? हम तो कितना बार सुना है, हम लेक्चर भी दिया है, हमें तो इतना शरणागति नहीं आता है। कभी कभी लगता है ना इस तरह, इतना शरणागत है हमें नहीं हो पा रहे, कि इतना बुद्धि कहाँ से आया उनको, कैसे होता है? को उनका गुरु के प्रति इतना शरणागति है, कहाँ से इतना शरणागति है, कहाँ से आया? वास्तविक गुरु ही दिया है। गुरु के प्रति यदि कोई शरणागत होगा कौन दे सकते इसको, गुरु ही दिया है। तो गुरु उनको दिया, दूसरा को क्यों नहीं दिया फिर? वो तो फिर एक बात है। हाँ, इसका अर्थ है थोड़ा शुरू करना पड़ेगा, थोड़ा शुरू करना पड़ेगा तो सेवा में संतुष्ट गुरुदेव और बुद्धि दे देगा, तो और सेवा करके और बुद्धि देगा, ऐसा होता है। भगवान क्या करते हैं, आमिता हृदय ते ज्ञान दीपानी, मैं उनका हृदय में ज्ञान दे देता हूँ। कोई 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 भगवान का कौन जान सकते? आपको वो चर्चा पता है ना, सार्वभौम भट्टाचार्य का, चैतन्य महाप्रभु, सार्वभौम भट्टाचार्य साहब किसका, उनका जीजा, जीजाजी शाला गोपीनाथ आचार्य, गोपीनाथ आचार्य कहते हैं भगवान है, अशागर नहीं भगवान नहीं है, लेकिन गोपीनाथ आचार्य क्या कहा, तुम्हारे भी तो भगवान का कृपा नहीं, इसलिए समझ में नहीं आते हैं। तो शर्मा बोलते हैं तुम्हारे भी तो कृपा से कैसे पता है, मन में समझ पाए इसीलिए है। और तुम्हारे प्रति जब कृपा होगा तुम भी मिला था बोलोगे आगे कुछ दिन बाद। तो ये समझना चाहिए भगवान की कृपा। तो भगवान बोला आमी तार हृदय ते ज्ञान दीपानी, भगवान उनके हृदय में ज्ञान दीपित, ज्ञान रूप, ज्ञान ज्ञान दीप अर्थ क्या है, जिसका अध्याय मतलब अज्ञान नाश होता है। अंधकार तमोनाश करी से अशनी, ज्ञान दीप जालाइया करी तारे ज्ञानी। भगवान एक ज्ञान जला के क्या देते हैं, अंधेरा तमो सब नाश करते हैं, और भक्त क्या होता है, ये ज्ञान लाभ का ज्ञानी होता है। इसीलिए कृष्ण भक्त सबसे 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 बुद्धिमान है। ओ इस्कन का भक्त लोग ये बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मनो कोई कोई राजा का नौकरी कर रहा है, कोई मंत्री का नौकरी कर रहा है, कोई प्यून का नौकरी, कौन ज़्यादा बुद्धिमान है, कौन ज़्यादा बुद्धिमान है? कोई प्यून का नौकरी कर रहा है, कोई मंत्री का नौकरी कर रहा है, कोई राजा का नौकरी कर रहा है, कौन श्रेष्ठ है? तो इसी तरह बहुत देव देवी है, भगवान कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। तो इसीलिए जो कृष्ण का सेवा कर तो कॉमन सेंस है, वो सबसे बुद्धिमान है। तो जो भगवान का सेवा से दूसरा कोई सेवा करेगा वो कैसे बुद्धिमान हो सकते? इसीलिए जे जना कृष्ण भजे सेवा चतु, हर शास्त्र में कहते हैं कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवत भारतवर्ष में सारे हिंदू सब मानते हैं, गीता श्रेष्ठ ग्रंथ है, और गीता में खुद ने कहा मैं भगवान हूँ, मैं सबका पिता हूँ, यहाँ तक ब्रह्मा शिव सबका मैं सृष्टिकर्ता पिता हूँ। उसको जानने के बाद यदि कृष्ण का भक्ति नहीं करके उसको बुद्धिमान कैसे कहा जाता है? इसीलिए जो व्यक्ति कृष्ण का सेवा कर रहा है उसको श्रेष्ठ बुद्धि वाला व्यक्ति मान जाता है। जिस तरह मान लीजिए किसी को नाम का पीछे कृष्णदास MBBS, इसका अर्थ क्या है? उसके पास में लिखना पड़ेगा क्या माध्यमिक उच्च माध्यमिक लिखना जरूरत है क्या, क्लास 5 पास गोल्ड मेडल, वो कुछ लिखना जरूरत नहीं है। और MD यदि लिखेंगे तो MBBS नहीं लेके भी चलेगा, MS 7000 FRCS लर्निंग लिखेगा तो कुछ ये भी लिखना नहीं जरूरत होता है। तो जब कृष्ण भक्त है तो यह
कॉमन सेंस इसका सर्वश्रेष्ठ है। तो इसीलिए जब कृष्ण ने इस तरह वर्णन किया है तो अर्जुन ने ये बात को पूरा पूरा मान लिया। तो अर्जुन किस तरह मान लिया, ये भागवत गीता यथारूप क्यों, यथारूप अर्थ क्या है, कृष्ण जिस तरह बताया और अर्जुन जिस तरह समझा। अभी कृष्ण तो वर्णन किया, अब अर्जुन किस तरह समझा वो बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन किस तरह स्वीकार किया कृष्ण को, अर्जुन कहिलेन परम ब्रह्म परम धाम पवित्र परम तुम्हें कृष्ण हो नित्य यही मोर ज्ञान। ये जब कृष्ण ये उपदेश दिया है अर्जुन इस तरह नहीं तो आधा आधा ग्रहण किया। जब इस तरह का अथॉरिटी कर्तृपक्ष बोल रहा है उसका आधा आधा ग्रहण करना चाहिए पूरा ग्रहण करना चाहिए, क्या लग रहा है? जब इस तरह एक व्यक्ति बोल रहा है उसका आधा ज्ञान ग्रहण कर इसका अर्थ क्या है? क्या दूसरा कोई व्यक्ति है जिसके पास आधा भी शून्य जाना चाहिए, क्या लग रहा है? जब कृष्ण बोल रहा है मैं यूँ हूँ तो और किसी को और शून्य जाना चाहिए। तो कृष्ण जब बता दिया तो अर्जुन किस तरह ग्रहण किया, उन्होंने बोला आप परम ब्रह्म है, ब्रह्म जंत ब्रह्म, लेकिन जितना सर ब्रह्म वस्तु है लेकिन हे कृष्ण आप परम ब्रह्म है, कोई ब्रह्म आपसे श्रेष्ठ नहीं है। और परम धाम, धाम अर्थात, धाम अर्थात क्या है, धाम अर्थात स्थान, जिस तरह वृंदावन धाम मायापुर धाम जहाँ पर भगवान अर्थात धाम, धाम अर्थात जगह, तो परम धाम अर्थात सर्वश्रेष्ठ स्थान, सबको भगवान के पास जाना चाहिए, इसलिए भगवान है परम धाम। पवित्र परम, परम पवित्र, परम पवित्र क्या है, जिस तरह सूरज मल मूत्र को शोषण करके फिर भी पवित्र रहता है, यदि इस तरह पवित्र रह सकते तो भगवान का एक शक्ति सूरज के इतना क्षमता हो सकते, दूसरा को पवित्र करने के बाद पवित्र हो सकते, तो भगवान के उनमें से पवित्र है। और भगवान उतना तो जाना जरूरत नहीं है, और शरीर का देख लीजिए, शरीर क्यों पवित्र है, हाँ शरीर में आत्मा है, शरीर से तो बाल काटेंगे स्नान करना पड़ता है क्योंकि शरीर से अलग हो गया, शरीर से जब तक बाल था तब तक कोई नहाना जरूरत नहीं, अलग हो गया तो मल मूत्र शरीर से निकल गया तो अशुचि हो गया, शरीर में जब तब तक शुद्ध है, नाक से जैसी का वो भी अपवित्र है, जब अंदर में था तब सब पवित्र है, लेकिन शरीर से अलग होने से अपवित्र हो गया है, अर्थात शरीर से जब था तो इतना पवित्र था, तो कौन पवित्र है, शरीर नहीं, ये शरीर से जब आत्मा निकल जाता है शरीर अपवित्र हो जाता है, उसको टच करने से देखने से नहाना पड़ता है। तो ये शरीर से जब आत्मा निकल जाता है ये शरीर इतना अपवित्र होता है स्नान करना पड़ता है, वो जो घर में सहता कोई यूज ही नहीं करता, आग में जलाना पड़ता है, इतना पवित्र हो जाता है। तो पवित्र कौन है फिर, आत्मा, जो आत्मा है इतना पवित्र है तो वो परमात्मा का अंश है, वो भी कितना पवित्र हो सकता है। तो इसीलिए अर्जुन स्वीकार कर रहा है आप है पवित्र परम, तुम्हें कृष्ण हाउ नित्य ही मोर ज्ञान, हे कृष्ण आप नित्य है, मैं इस तरह आपको समझ लिया हूं। शाश्वत पुरुष तुम्हें अजो आदि विभु अप्राकृत देह तब सकलेर प्रभु, शाश्वत पुरुष, शाश्वत शब्द बहुत बार आता है, शाश्वत शब्द आता है क्या, नित्य शाश्वत सनातन एक ही शब्द आता है, शाश्वत पुरुष अर्थात नित्य, और पुरुष शब्द तो क्या है, पुरुष शब्द तो हाँ हाँ एक तो है वो व्यक्ति है निराकार नहीं है, कृष्ण निराकार नहीं है व्यक्ति है पुरुष, और एक है अर्थ क्या दूसरा अर्थ, भोक्ता एंजॉय, तो पुरुष भगवान है परम पुरुष, अजो अजो अर्थात जिसका जन्म नहीं, ये कृष्ण ने कहा, कृष्ण क्या कहा, अहं सर्वस्व प्रभाव में से सबको सृष्टि अध्वंस हुआ, इसलिए अर्जुन बोला हाँ हाँ आप अजो है आपका जन्म नहीं है, आदि एक ही बात है सबका आदि है, विभु विराट आपसे बड़ा कोई है नहीं,
अप्राकृत देह तब सकल प्रभु, आपका देह चिन्मय और सबका अभी प्रभु है। देवर्षि नारदार जत ऋषि आछे असित देवल व्यास से ही गाही आछे। कृष्ण इस तरह मत समझना आपको मैं बंधु हूँ इसीलिए आपको चाटुकारी कर रहा हूँ ताकि आपको पास कुछ मिलेगा मुझको, मैं इस तरह नहीं बोल रहा हूँ। और बाद में दूसरा आदमी बोलेगा अरे अर्जुन तो कृष्ण का बंधु है इसलिए बंधु के बारे ज़्यादा कुछ बोल रहा है, कोई आदमी कंप्लेन कर सकते। लेकिन अर्जुन बोलते नहीं नहीं ये मेरा बात नहीं है, देवर्षि नारद और जितना सारे ऋषि है असित देवल व्यास सब ने बात को स्वीकार किया है, ये मैं केवल नहीं कह रहा हूँ। अर्जुन बोला ये केवल मेरा बात नहीं है, व्यासदेव असित नारद जितना सारे सब ने बात को स्वीकार किया है। प्रभुपाद ने इस तरह कहते हैं कौन स्वीकार किया नहीं कृष्ण को भगवान, इस तरह नारद व्यास सुखदेव व्यासदेव से शुरू कर सब, यह तक शंकराचार्य भी, शंकराचार्य कृष्ण को भगवान रूप स्वीकार किया है, मध्याचार्य निम्बार्क विष्णु स्वामी, रिसेंटली तो चैतन्य महापुरुष खुद ने स्वीकार किया, उसके बाद वृंदावन का गोस्वामी सब कृष्ण को स्वीकार किया है। हमें यदि नहीं स्वीकार कर पा रहे तो हम तो बहुत दुर्भाग्य है, इतना बड़े बड़े आदमी जब स्वीकार किया है तो हम कौन है। अभी मामा बोले चलो कोविशील्ड वैक्सीन लेंगे, नहीं नहीं टेस्ट करेंगे, तुमका टेस्ट करने क्या क्षमता है, कोविशील्ड वैक्सीन के लिए कोवैक्सीन तुमको क्या चाहता है, वो कैसे होगा, नहीं नहीं हमको टेस्ट करना, क्या टेस्ट कर सकते, इसको मानना चाहिए। सरकार जब अनुमोदन किया है इतना दुनिया को आदमी धोखा दे सकते क्या, सरकार 100 करोड़ के ऊपर आदमी है सारा दुनिया है, ये सरकार की इतनी हिम्मत है क्या इस तरह का धोखा दे सकते, कोई वैक्सीन नहीं है दूसरा कुछ दे पैसा कमाने के लिए और पॉलिटिक्स करने के लिए चला सकते क्या, इतना हिम्मत है किसी को, नहीं नहीं हम तो मानेंगे नहीं इसको, हम टेस्ट करना चाहिए गाधा। भाई इतना तो बुद्धि होना चाहिए, सब स्वीकार कर रहा है, तुम ही कितना बुद्धिमान व्यक्ति होगा दुनिया में, इंडिया में है कितने बड़े बड़े आदमी है सब स्वीकार के सब ले रहा है वैक्सीन, नहीं नहीं हमको तो परीक्षा करना चाहिए। तो जब कृष्ण को इस तरह सब व्यक्ति भगवान रूप में स्वीकार किया है, देवर्षि नारद और जितना असित देव सब स्वीकार किया, तुम्हारे श्रीमूर्ति ओहे भगवान ना जाने देवता किंबा जरा दानवान, आपका जो मूर्ति है आप जो कृष्ण रूप स्वयं भगवान है कोई नहीं जान सकते। कृष्ण कृष्ण पहले क्या कहा इसके बारे, ईश्वर क्या है, हाँ हाँ क्या श्लोक, सप्तऋषि चार मनु और 14 मनु और 4 कुमार कोई नहीं जानते हैं, तो वही बोलता है। फिर अर्जुन वो बात को रिपीट कर रहा है, हाँ ना जाने देवता किंबा जा, यह तो देवता दानव कोई भी नहीं जान सकते। तो इसके बाद और आप देखेंगे हाँ अर्जुन आगे इस तरह बोलेंगे, केवल इस तरह नहीं है आप भी स्वयं वही बातें कह रहा है, केवल व्यास असित ये केवल नहीं बोल रहा है, आप स्वयं भी वही बातें बोल रहा है। और उसको आगे हम सुनेंगे कल कृष्ण इतना कुछ बोलने के बाद अर्जुन बोलता है सर्वंग तत्रितंग मन्नी, आप जितना से कहा है 100 से 100 में सत्य से सत्य मानता हूँ, उसके अंदर एक चूर बाल भी इसको अंतर इधर उधर नहीं है, परम सत्य में स्वीकार कर रहा हूँ। तो इतना क्यों बोल रहा है, यह बोलने के बाद कृष्ण को बोलेंगे आप एक थोड़ा आप तो इतना महान है थोड़ा और सारा बताइए, तब कृष्ण ने उनको इसका विभूति युग वर्णन करेंगे। ये दशम अध्याय विभूति युग, इतना किसी के पास माँ के पास पिताजी के पास यदि आप कुछ पैसा चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, पहले जाके क्या करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, हाँ आप इतना अच्छा है, पिता माता को पता आज इतना कोई अच्छा लड़का इतना अच्छा क्यों बन गया। तो उसके बाद मुझको थोड़ा पैसा देना आइसक्रीम खाऊंगा। तो ये अर्जुन के चाटुकारी तो नहीं था, कृष्ण का प्रशंसा करके सर्वसत्य और जानना चाहता है, कृष्ण हमें और थोड़ा बताइए, क्योंकि पिछले 9 अध्याय में लास्ट श्लोक क्या था, लास्ट श्लोक क्या था, नवचक हाँ हमेशा मेरा चिंतन करो, हमेशा मेरा चिंतन करो,
तब अर्जुन बोलेंगे कृष्णा आपको तो चिंतन करेंगे कौन सा रूप में, वो रूप को सारा बताइए। तो तब कृष्ण ने विभूति जो वर्णन किया, सॉरी हम थोड़ा गाएंगे कृष्ण। हम भगवद गीता आप लोग पहला बार है भगवद गीता, हमारे जो इस्कॉन का प्रभुपाद संस्थापक आचार्य प्रभुपाद, उन्होंने पूरा गीता इस तरह बांग्ला कविता आकार में लिखा है पूरा भगवद गीता, तो उसका नाम जो गीता और गान बहुत सरल में व्याख्या किया है, हम वह सब पाठ कर रहे हैं रोज। तो आज दशम अध्याय का पहला 14 श्लोक पाठ किया, अभी उसका हम गान रूप में गाएंगे। स्क्रीन में लिखा है अब गा सकते हैं मशा। भगवान कहिलेन करते लें आवार बोली जे सुनो परम वचन तुमार मन गल हेतु कहि बिबारा আমারো প্রভাব যেও কেহ নাহি জানে সুরগণ ঋষিগণ কত জনে জনে সকলের আদি আমি দেব ঋষি যত ভাবিয়া চিন্তিয়া তারা কি বুঝিবে কত যে মোরে অনাদি জানি লোক মহেশ সচ্চিদানন্দ শ্রেষ্ঠ অবয়য মর্তল কে আসাম মোর যেই ব্যক্তি হেয় মাত্র জানি তার সর্ব পাপক্ষ সুখার্থ নির্ণয় যজ্ঞ
बुद्धि जहान। आत्मो जे अनात्मो तहा ज्ञान रूपीषा सत्तदम सम समा सुख दुख अभय भव भव आर अहिंसा जहा समतादि तुष्टि जश अजश बा दान सकल भूतेरो भाव जहा किचुया আমি তার সৃষ্টিকর্তা পৃথক পৃথা মানো জেবা হাই বুঝায় নিচা মরিচাদি সপ্ত ঋষি চারি শানো কাদি চতুর্দশ মনু পূর্ব হিরণ্য গর্ভাদি তাদেরয়ে প্রজা সব যত লোকে আছে আমা হতে জন্ম সব মানো সাদি পাছে আমার স্বরূপ জ্ঞান শক্তি বা বিভূতি সমস্ত ক্রিয়াদি যোগ
श्रेष्ठ सेवा कति सब तत्व जरा निश्चित जानिल भक्ति जग साधिवारे यज्ञ से होइल प्राकृता प्राकृत सब आमा होते हैं बुद्धिमान व्यक्ति जानी आमा के भजाय आमारो जे भाव ताहा भक्तिर लक्षण अपंडित नहीं जाने जाने पंडित गण আমার অনন্য ভক্ত মজ্জিত মত প্রাণ পরস্পর বুঝে পরে আনন্দে মগন আমার সে কথা নিত্য বলিয়া শুনিয়া সনর মন করে ভক্তিতে মজিয়া সেই অনিত্য যুক্ত যারা ভজনে কুশল প্রীতির সহিত ধারা ধরে ভক্তি বল আর প্রীতির সহিত তারা ধরে ভক্তি আমি দেই ভক্তি যোগ তাদের অন্তরে আমার পরম ধাম তারা লাভ করে সে অনন্য ভক্ত নহে তো অজ্ঞানী আমি তার হৃদয়েতে কেন দীপ আনি অন্ধকার তমনাশ করি সে অশনি আর জ্ঞান দীপ জ্বালাইয়া করি তারে জ্ঞানী অর্জুন কহিলেন পরম ব্রহ্ম পরম ধাম পবিত্র পরম তুমি কৃষ্ণ হও নিত্য এই মোর জ্ঞান শাশ্বত পুরুষ তুমি অজয়াদি বিভু অপ্রাকৃত দেহ তব সকলের প্রভু দেবর্ষি নারদ আরো যত ঋষি আছে অসিত দেব বেশ সেই গাহিয়াছে তোমার ওই শ্রীমূর্তি ওহে ভগবান না জানে দেবতা কিংবা যারা দানবান ভক্তি বেদান্ত কহে গীতার গান শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণ গত প্রায়
कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे रे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद श्री प्रभुपाद की श्री श्री राधा मदन मोहन ललित विशाखा जीव की कृष्ण वल्लभ भगवान की पतित पवन गौनिताय की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की
भक्ति विघ्न विनाश नृसिंहदेव भगवान की, शिल प्रभुपाद विरचित गीतार गान की, सामवेद गौर भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंदे।